जो जिस जमीन पर रह रहा है वो जमीन उसकी है, हम उसका पट्टा देंगे। मुख्यमंत्री का ये ऐलान बैतूल में अतिक्रमण को न्योता दे रहा है। लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और प्रशासनिक अमला अवैध कब्जा हटाने में परेशान हो रहा है। पन्ना में अटल ज्योति अभियान की शुरुआत के दौरान दिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा ने बैतूल के प्रशासनिक अमले के सामने मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भूमिहीन गरीब सरकारी जमीनों पर बांस बल्ली लेकर झोंपड़ियां तानने में जुट गए हैं। लोगों की माने तो वैसा ही कर रहे हैं जैसा मुख्यमंत्री ने कहा है। मेरा कोई मकान वकान नहीं है, किराए से आज तक रहते आया, और अब यहाँ पे मुख्यमंत्री के आदेश पे मैंने मकान यहाँ बनाया था, तोड़ दिए यहाँ पे आके लोगों ने। अभी क्या मुख्यमंत्री जी ने क्या घोषणा करी? वो घोषणा की थी कि आपको कहीं भी जगह दिखे तो बना लो, नजूल की पट्टा मैं दूंगा। तो अभी आप लोगों ने इसीलिए बना लिया? इसीलिए बना लिया थे, आप तोड़ दिए अब तो वो लोगों ने, अब हमको क्या करना चाहिए? यहाँ पे शिवराज चौहान ने बोल दिया कि यहाँ पे जहाँ पे भी गरीबों को जगह मिलती है आप बना लो, इसी वजह से वो लोग मेहनत धूप में मजदूरी यानी कि जगह लेने के लिए आगे की भी चलो किसी भी तरह किराए से बचेंगे और मेहनत मजदूरी करेंगे। अब तो ये हटा रहे हैं यहाँ पर, ये हटा रहे ना, लेकिन ये हटा रहे तो वो गलत है, हम तो उन्हीं से जाकर मिलना चाहते हैं। सरकारी जमीन पर बढ़ते अवैध कब्जे से अफसर परेशान हैं। इलाके के देश बंधु वार्ड और रेलवे ओवरब्रिज इलाके की खाली पड़ी जमीन पर इन दिनों छोटी छोटी झोंपड़ियां बन रही हैं। अतिक्रमण हटाने पहुंचे अफसरों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये सब हम लोगों ने हटा दिया। कल भी कितने लोग थे और आज भी कितने लोग? कल भी छह करीब 15 लोगों का कल भी हटाया गया था और अभी भी करीब 20-25 लोगों का हटा दिया गया। सर इस तरह से क्यों अचानक लोग इस तरह? क्या पता ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। अभी जो सीएम साहब की जो नई घोषणा हुई सर उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसी का कुछ गलत अर्थ लगा लिया हो लोगों ने और ऐसे कर रहे हो। चुनावी मौसम में मुख्यमंत्री ने घोषणा तो कर दी लेकिन कहीं ये घोषणा सरकार के गले की फांस न बन जाए। पन्ना से शिवकुमार त्रिपाठी के साथ इरशाद हिंदुस्तानी, सहारा समय, बैतूल।